नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। पीडब्ल्यूडी विभाग और ठेकेदार के मिली भगत से घटिया रोड पर फिर पेचवर्क शुरू। रायसेन शहर में गोपालपुर से जेल रोड तक बना सड़क मार्ग हमेशा विवादों में रहा है। तकरीबन 32 करोड़ से बना हुआ यह रोड जितनी बार बना नहीं उससे ज्यादा बार उखड़ चुका है। पीडब्ल्यूडी विभाग और ठेकेदार की मिली भगत से इस रोड का निर्माण कई बार हो चुका है, लेकिन नतीजा वही कि रोड फिर उखड़ जाता है। अभी बरसात चालू भी नहीं हुई है और यह रोड फिर उखड़ना चालू हो गया है। बरसात आने के बाद क्या हाल होगा यह कहना मुश्किल नहीं। इंडियन न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। अभी हम खड़े हैं सांची मार्ग पर। ये जो आप रोड देख रहे हैं इसमें फिर पेंच वर्क शुरू हो रहा है। ये रोड जब से बना है ये हमेशा विवादों में रहा है। इसको जितनी बार ये रोड बना नहीं है, जितना दिन इस रोड को बने हुए नहीं हुए, उससे ज़्यादा ये रोड उखड़ चुका है। अभी भी इसमें पेंच वर्क चल रहा है, जबकि अभी बरसात शुरू नहीं हुई है, इससे पहले ये रोड उखड़ने लगा है। लोगों का आरोप है कि इस पर पीडब्ल्यूडी विभाग को ठेकेदार की मिलीभगत है। जब भी मीडिया इसकी आवाज़ उठाती है तो छोटी मोटी कार्रवाई करके विभाग अपनी पल्ला झाड़ लेता है। और आप देखिए कि आज ये रोड का फिर पेंच वर्क शुरू हो गया। मैं कैमरा मैन से कहूँगा कि थोड़ा सा इसको घुमा के दिखाएं लोगों को कि देखिए ये पेंच वर्क पूरे में चल रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे सब लोगों ने बताया कि जो सागर चौराहे से लेकर दरगाह तक भी ये रोड जगह जगह से उखड़ गया है। अब देखना यह है कि बरसात के आने के पहले ये रोड उखड़ रहा है तो बरसात आने के बाद क्या हालत होगी। मैं आवाज़ न्यूज़ से राकेश जैन रायसेन। थोड़ा सा ये रोड क्या है, एक तो बार बार उखड़ता रहता है और क्या है काम क्या है, बार बार चालू रहता है यहाँ पर, मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मतलब जब हम लोग क्या है देखते ही रहते हैं और क्या रोड में यहाँ, मतलब रोड चलता हुआ रोड देखते रहते हैं और क्या ट्रैफिक कैसा चल रहा है यहाँ पर। क्या परेशानी होती है लोगों को? लोगों को बस ये कि यहाँ बस चलने में दिक्कत होती है और क्या, अभी फुटवेयर वो फुटपाथ नहीं है एक तो यहाँ पर, और क्या है ट्रैफिक भी ज़्यादा हो गया है तो उसमें क्या है थोड़ी चलने में ही दिक्कत होती है मतलब, और एक्सीडेंट के केस क्या ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर रोड में सबसे ज़्यादा, मतलब अधिकतर क्या है एक्सीडेंट होते ही रहते हैं मतलब यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा 2000 करोड़ रुपया जो बर्बाद हो रहा है इसके विषय में बताना चाहता हूँ कि रोड एक तो घटिया निर्माण से ये पूरा रोड बनाया गया था, अभी इस रोड को पूरी एक साल भी नहीं और पेज वर्क फिर होने लगा। हर बार ऐसा ही होता है, इस रोड में काफ़ी लंबा भ्रष्टाचार हुआ है और जनता का और सरकार का जो पैसा है वो बहुत बुरी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। आप देखें पूरा ये रोड जो बन रहा है, ये रोड ये बन चुका है, उसके बाद भी अभी बारिश आई नहीं है, बारिश से पहले ये रोड ज़मीन में धंस गया है जिसका आज पेज वर्क का काम हो रहा है। और आप यहीं से लेकर दरगाह तक जाएंगे वहाँ भी बड़े बड़े गड्ढे हो रहा है, एक एक हाथ के गड्ढे पूरे रोड पे हो रहा है और काफ़ी घटिया निर्माण इस रोड में किया जा रहा है और अभी भी सिर्फ खाना पूर्ति होगी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? मैं जो इसमें जिम्मेदार है वो सब दोषी है, इसके अंदर दोषी मानने वाले भाई ये रोड के तो पीडब्ल्यूडी अधिकारी है वो भी है, जो ठेकेदार है वो भी है, जो जनप्रतिनिधि है वो भी है, कोई बोलता ही नहीं है। अरे यार काफ़ी पहले मुद्दे भी उठाए, जनता ने भी उठाए, सोशल मीडिया पर भी इसके मुद्दे उठे, लेकिन कभी किसी ने ये किसी जिम्मेदार पे कार्रवाई नहीं करी, बस लीपा पोती होती है और इसको खत्म कर दिया जाता है। क्या नाम है आपका? अली हसीन।